अच्छा कितना कितना आदमी है आप? अकेला? हाँ अकेला? दो यूपी से हैं, फिर दो लखनऊ से। लखनऊ? दो लखनऊ, मैं दिल्ली। वो तो बताए। हेलो, आपके साथी कितना? तीन है। तीन 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 दो, दो पीछे आने वाला है, पीछे आएगा। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा मुक्तिनाथ के लिए हमने वो हाईवे छोड़ दिया है, और बहुत ही प्यारा हाईवे था यार अभी तक। और ये राइट हैंड से एक रास्ता जा रहा है, और ये देख लीजिए पूरा रोड अब अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेगा। और हमें एक काली नदी, गंडक काली नदी के साथ साथ चलना है, जो कि मस्टांग से आ रही है। ये है ऑफ रोडिंग, अब स्टार्ट हो चुकी है हमारी। हमारा हनीमून पीरियड इज ओवर, अब हमारी बाइक की परीक्षा है। हमारी परीक्षा है, वैसे तो लद्दाख में हमें बहुत एक्सपीरियंस है, जंस्कार लद्दाख। ये देख लो भाई साहब, कल की बारिश के वजह से नर्क बन गई है ये सड़क। सड़क तो कह नहीं सकते, जो भी है, लेकिन कीचड़ ही कीचड़। बस 16, 17, 18 की स्पीड चल रही है। अगर ऐसी सारा रहा तो भाई रात हो जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते। एक घंटे में 10-15 किलोमीटर ही कवर हो सकते हैं फिर तो। तब भी कहते थे कि जल्दी निकलना था। जय भोलेनाथ। तो यहाँ के लोकल लोग जा रहे हैं देखो मुक्तिनाथ के लिए। तो अभी तक तो रोड ज़्यादा ख़राब मिली नहीं है, शुरू का पैच है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बारिश की वजह से वो बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। और उस वजह से हैवी ट्रैफिक अगर आमने सामने आ जाए तो वो बहुत देर तक जाम लग जाता है। अभी ये बाइक में मैंने चेन लॉक करा लिया है, अब सही चल रही है। पहले बड़ी तेज़ आवाज़ कर रही थी चेन, और ये चेन मेरी लगभग ख़त्म हो चुकी है, आखिरी पॉइंट पे पहुंच गई है। तो अब घर जाते ही इसको चेंज कराना पड़ेगा मुझे। तो ये रास्ते में हमें दो बाइकर और मिले हैं जो जॉनसन जा रहे हैं, और ये गाजियाबाद से आए हैं। हमारे बीच में बात हुई थी एक बार। ओहो, स्लिप मार गई, मिट्टी है ना, स्लिप मारी जाती है। बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। यहाँ के लिए तो ऑफ रोडिंग बाइक चाहिए भाई साहब, अगर आपके पास ऑफ रोडिंग बाइक है तो मज़ा आ जाएगा। ऑफ रोडिंग और ABS, बीच बीच में ऐसे पैच आ रहे हैं और ख़राब भी आ रहे हैं, और इस तरह के भी आ रहे हैं, लेकिन ख़राब ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें बिल्कुल पानी पानी भरा हुआ है, मिट्टी कीचड़, बाइक स्लिप मार चुकी है कई बार, बड़ी ध्यान से निकालना पड़ रहा है। ओ दो 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 दो, कितने ऊंचे पहाड़ हैं। अभी उस रूट पे जाना है हमने, सामने वाले रोड पे, और गंडक काली गंडक रिवर है ये साथ में। हाय, टाइम 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 क्या हो गया है, 11 बज गए। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, धुलाई होगी बाइक की। तो ये है वाटरफॉल जो हमें रास्ते में नज़र आया, बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है, और फर्स्ट वाटरफॉल दिखाई दिया है अभी तक का टूर का। और धूल मिट्टी कीचड़, लश ग्रीन, बुरा हाल है। तो गाइस, एक वाटरफॉल पे रुक गए हम, ये देखिए मेरे पीछे, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ गए हैं इस वाटरफॉल को देख के। अभी तक रास्ते में कुछ भी खास नहीं था, रोड ख़राब था, लेकिन व्यू बहुत अच्छे थे, और ये फर्स्ट वाटरफॉल हमें दिखाई दिया। तो अभी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके निकलते हैं। काली गंडकी नदी पुल, ये नया पुल बना है पहले, ये साथ में आयरन ब्रिज है, इससे जाना पड़ता था, अब ये नया बना दिया क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया ना अब इस पर। तो
तो 11:45 हो गए हैं और हमने तातो पानी को अभी भी क्रॉस किया है। और ये देखिए बिल्कुल नदी के बिल्कुल क्लोजली साथ साथ निकल रहे हैं और बिल्कुल डाउन हो चुके हैं माउंटेन के, और सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं इसके। रोड का काम तो चल ही रहा है यहाँ पे। ओहो बहुत ही खतरनाक वाटरफॉल है यार, ब्यूटीफुल। रुकते हैं यहाँ पे, फोटोग्राफी करते हैं फिर चलेंगे। हमने तातो पानी क्रॉस कर दिया, बेनी क्रॉस कर दिया। आप जॉनसन बता रहे हैं कि यहाँ से 2 घंटे का रास्ता और होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए यार कितना शानदार वाटरफॉल है, कितनी ऊँचाई से गिर रहा है वाटरफॉल। ये देखिए हाइट, ओहो बहुत ही खूबसूरत है यार। और ये पानी जा रहे हैं यहाँ से, और ये हमने जाना है यहाँ पे, और अपने भाई लोग अभी पीछे हैं तो करते हैं उनका वेट और थोड़ा फोटोग्राफी कर लेता हूँ और फिर चलते हैं। अभी 2 घंटे रह गया है जॉनसन, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, 12 बजे हैं। और यहाँ पे मैंने कम से कम पूरे 1 घंटा यहाँ पे मैंने वेट किया अपने भाई बंधुओं का, दोनों पता नहीं कहाँ रह गए। पीछे बाइकर बोल रहे थे तातो पानी में वो कहीं रुके हुए हैं रेस्टोरेंट पे, तो अभी 1 घंटे से तो आए नहीं, पता नहीं क्या कर रहे। मैं तो चलता हूँ धीरे धीरे आगे, होप फॉर द बेस्ट। अब ये धूल मिट्टी वाला रोड आ गया, पूरा धूल मिट्टी मिलेगी अब पूरे रास्ते 2 घंटे। और जॉनसन का रास्ता अब 2 आवर्स का रह गया है और पूरी धूल मिट्टी मिलेगी, ऐसा ही रास्ता है पूरा कच्चा। यहाँ के लोकल बाइकर्स तो पूरे पैक होकर जाते हैं। ओहो पत्थर देखो यार, ये पत्थर ओल है। हम हैं घासा में और यहाँ पे हमारा परमिट चेक हुआ, और ये पहाड़ देख लो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। और यहाँ पे आपको एक परमिट की एक स्लिप देनी पड़ेगी, उसमें 2 होती हैं, एक यहाँ पे जमा हो जाती है। तो 40 किलोमीटर है जॉनसन, और बोल रहे हैं 1.5-2 किलोमीटर कच्चा है, उसके बाद फिर पक्का शुरू हो जाएगा, अच्छा रोड आ जाएगा। भाई लोग का तो पता नहीं कहाँ रह गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्या हो गया। चलो चलते हैं। भाषा से निकलते ही मतलब कि 1-1.5 किलोमीटर बाद हमें ये मेटल रोड मिल गया है, और ऊपर देख लिए बादल छा गए हैं, कभी भी धूम धड़ाका हो सकता है और हमारी वाट लग सकती है। अभी भी लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है यहाँ पे, और हम पहुंच जाएंगे जॉनसन में। और पत्थर बड़े बड़े पत्थर हैं, जा रहे हैं। ये शुरू हो गई है ठंडी, जो कि हम पहुंच गए हैं मार्फा विलेज। तो वापसी में करेंगे इसको भी एक्सप्लोर, अभी तो हम सीधा जा रहे हैं जॉनसन। बारिश होने के चांसेस है जिसकी वजह से टाइम से पहुंच जाएं जॉनसन। अगर मैं वाटरफॉल पे ना रुकता 1 घंटा, अभी तक मैं पहुंच गया होता वहाँ पे, 1 घंटा रुक गया। भाइयों का वेट कर रहा था लेकिन वो फिर भी नहीं आए, पता नहीं क्यों। हवा यहाँ पे तूफान चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है, धक्का मार रही है, वो तो हमारी बाइक हैवी है इसलिए हिल नहीं पा रही है, नहीं तो बहुत तेज़ झुका रहा है। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है,
तो जल्दी से जल्दी पहुंचे जॉनसन और कहीं स्टे लें, आराम करें। ये देखो लद्दाख जैसे पहाड़ है सारे, अब बिल्कुल अपर मस्टांग का पूरा सेम है लद्दाख। पता है हम पहुंच गए हैं जॉनसन, तो ये है जॉनसन विलेज। तो यहाँ अब देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर कहीं रहने का इंतज़ाम करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं जॉनसन में और वेट करते हैं अपने भाइयों का। तो पहले कुछ खा लेते हैं यार, भूख लग रही है। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ है। खाना है, खाना थाली मिल जाएगा? थाली 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 खाना खाना मिल जाएगा। होटल फाइनल हो गया है। ये है होटल रिवर साइड और वो स्टार्टिंग में ही है, जॉनसन से बिल्कुल शुरू में ही है। और जॉनसन यहाँ से मतलब कि 1.5-2 किलोमीटर वाला शुरू होता है जॉनसन। तो हमने रूम ले लिया है 1200 रुपये नेपाली रुपीज़। और बारिश लगातार 2 घंटे से हो रही है और हमारे अपना अमर भाई और विशाल भाई लिट्टे में अटके हुए हैं, वहाँ पे ओले पड़ रहे हैं। अभी उनको भी 1-1.5 घंटा आने में लगेगा अगर अब चलते हैं तब। तो मैं तो अभी अपना सामान लेके ऊपर जा रहा हूँ रूम में और फिर वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर बाकी काम बाद में। चलो चलते हैं, तो रूम दिखा देता हूँ मैं आपको ऊपर जाके। और ये रास्ता है, मेन रास्ता, ऊपर का व्यू बहुत अच्छा है, दिखाऊँगा अभी। हमारे होटल से जो व्यू है, ये सामने एयरपोर्ट का ये बना हुआ है रनवे, एयरपोर्ट का रनवे, सामने ग्रीन ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है और ये सारे माउंटेंस। और रूम देख लो आप, ये देख लीजिए रूम, एक ये डबल बेड है, एक सिंगल बेड है। और यहाँ से भी व्यू सामने, सामने का व्यू नज़र आ रहा है। ये टॉयलेट। तो गाइस अभी करते हैं रिलैक्स और आज का व्लॉग इतना ही। और आपको कैसा लगा आज का? सर वैसे कमर तोड़ था और व्यू तो बहुत अच्छे थे और रास्ता भी काफ़ी जगह बहुत ही खूबसूरत था। कई बार तो ऐसा लगता था कि स्पीति का लुक दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये रूट पूरा। और कल हम दर्शन करेंगे मुक्तिनाथ टेम्पल के और उसके बाद लेक है, वहाँ लेक जाएंगे, एक दो प्लेसेस और हैं अच्छे अच्छे वो एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करना। और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक ज़रूर करना भाई, बहुत मेहनत लगी है यार यहाँ तक पहुँचने में। तो अंत में दोस्तों, राइड हार राइड से, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।